जाहिर सी बात है सबको पता है, ये वीडियो में कोई न्यूज़ देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे निपटना बहुत मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो उससे जूझ रहे होते हैं। मैं आपको चाहे जितना लेक्चर दे दूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मूवी छिछोरे के द्वारा ज़िंदगी जीने के लिए, उसके फेलियर से निपटने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं, और उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के उन फेसेस से वो गुजर नहीं पाया, सुसाइड कर लिया। क्या रीज़न था गिव अप करने का, क्या रीज़न था सुसाइड करने का, ये रीज़न तो अभी कोई जल्दी नहीं बता सकता, ना कोई जांच ये नहीं बता सकती कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था, वो फील क्या कर रहा था। अभी उन्होंने अपने ग्रोथ की मतलब समझ ले पहली दूसरी कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि ये हो गया। लोग बहुत सारी अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे जब वो इंसान दूसरों के लिए, आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ मैं, जब वो किसी और के कहने पे वो 1 करोड़ तक डोनेट करने को तैयार हो गए थे और वो कह रहे थे कि मुझे एक कारण देने के लिए थैंक यू, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आदमी दिल से दिमाग से भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सुसाइड करने का रीज़न क्या हो सकता है? अब जब तक कोई क्लोज वन निकल के ना आए और ना बताए, तब तक नहीं पता चल सकता। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहता हूँ बहुत सीरियसली, कुछ चीज़ें मेरी कुछ बातें हैं, मैं नहीं चाहता कि उनकी डेथ का मैं फ़ायदा उठा के अपने किसी वीडियो का व्यू बढ़ा ले जाऊँ, इसलिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरा मोटिव कुछ और है, मैं ये बातें करना चाहता था इसलिए मैंने बहुत पहले भी लोगों से पूछा था कि क्या मैं मोटिवेशन वीडियो बनाऊँ ताकि लोगों को अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मिल जाए। माना मेन मौके पे क्या काम आता है मुझे नहीं पता, लेकिन किसकी कब हेल्प हो जाए ये भी कुछ नहीं कह सकते। मेरा ये कहना है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का वाला केस में अगर देख लिया जाए, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने रात को 1 बजे अपने एक दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश की, वो कॉल पिक नहीं हुई। शायद वो कॉल पिक हो जाती, अपने दोस्त से बात कर लेते, तो शायद वो आज ज़िंदा होते, ये सब माहौल ही ना क्रिएट हुआ होता और मैं आज वीडियो नहीं बना रहा होता, ये मतलब अलग ही कुछ बात रही होती शायद। लेकिन अब हो गया, तो इससे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जब हम लोग सोचते हैं कि हमें एक बढ़िया दोस्त चाहिए, हमें एक अच्छा दोस्त चाहिए, ना कि YouTube पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं और Facebook पे कितने फॉलोअर्स हैं, Instagram पे कितने फॉलोअर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके भी 9.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं Instagram पे, लेकिन जब उनको रात को 1 बजे किसी दोस्त की ज़रूरत थी, तो जो दोस्त कहने वाला दोस्त है वो भी काम नहीं आया, शायद अनजाने में, जानबूझ के उसने वो नहीं किया होगा कि मर जाने देते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही। मैं कहना चाहता हूँ आप ये हमेशा मत इंटेंशन लेके चला करिए कि हमें कोई दोस्त चाहिए जो हमें समझे। आप भी कभी कोशिश करिए कि आप किसी के दोस्त बने, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आगे से भी रिस्पॉन्स आएगा और आपको भी एक अच्छी दोस्ती मिल जाएगी। और रही बात डिप्रेशन की, सुसाइड कर लेने की, जब आप उस पीक तक पहुँचते हैं, तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा रीज़न क्रिएट करिए ज़िंदा रहने का, नहीं समझे, जैसे कि कोई रिश्ता होता है कि आप किसी पर्सन के लिए ज़िंदा रहते हैं, आपके माँ बाप, कोई और रिश्ता है, जैसे कोई आपका लाइफ पार्टनर है, कोई रिलेशनशिप है जिसके लिए आप ज़िंदा रहना चाहते हैं कि आप नहीं होंगे तो उसका क्या होगा। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये सोचिए कि मेरी ज़िंदगी जिन चीज़ों के लिए निर्धारित है, मुझे कुछ अचीव करना है, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, मेरे आगे कुछ लोग हैं, उनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, अगर मैं अपनी ख़त्म कर लूँगा तो उनका क्या होगा। क्योंकि इस केस में सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लिटरली कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग था, कोई एज नहीं थी। मतलब आप डिप्रेशन में जाने के हज़ारों कारण होते हैं, जब तक आप किसी को पसंद नहीं जान सकते गैस भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बस मेरा लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही है कि आप कभी भी उस पीक तक जाइए कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़िंदा रहने के कारण ढूंढिए, आप अभी से बनाना शुरू करिए कि ये एम है भविष्य के लिए मुझे अचीव करना है, तब तक कि कर नहीं लेता मैं, और अगर आप वो अचीव करते जाएँ तो आप नया एम सेट करते जाएँ, उसके लिए लगे रहें, अपने आप को बिज़ी रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया, रिलेशनशिप, कोई पार्टनर, आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। आज उनके फादर वो कह रहे हैं कि मुझे खुद न्यूज़ से पता चला, कितनी दुख की बात है, मतलब एक आम जनता की तरह। आप ऐसा समझिए कि आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ रहे, अगर होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता किसी को भी, या कभी भी किसी की ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा पल आए तो। और मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी तरीके की मेंटल सहायता चाहिए कि आप बात करके आप अपना अपने दिमाग को शांति पहुंचा सकें, आप अपना मेंटल प्रेशर रिलीज़ कर सकें, कि आपको सहायता चाहिए, तो आप कभी भी कमेंट करके मुझसे बात करिए। मैं आपसे इंस्टाग्राम पे बात करने को तैयार हूँ, मैं आपसे ऑडियो कॉल करने को तैयार हूँ, वीडियो कॉल करने को तैयार हूँ, मेरी कभी भी कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी मैं फुल सपोर्ट जिस हद तक मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए कि इतना अच्छा टैलेंट हमारे बीच से चला गया, इतना अच्छा टैलेंट चला गया किस लिए, डिप्रेशन से,
और रात को 1 बजे उनके पास कोई बात करने को नहीं था। इसलिए आप ये सोचिए कि हम भविष्य में अगला वो इंसान ना बने जो ऐसे कारणों से अपनी ज़िंदगी खो दे। आप उस अगले इंसान का, हर उस अगले इंसान का जिससे आप संपर्क में, आप उसका दोस्त बनने की कोशिश करिए, ना कि बजाय इसके कि आप अपने लिए कोई दोस्त ढूंढते रहिए, आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप डिसाइड करिए कि मुझे इसका नेचर पसंद है, करेक्टर पसंद है, मैं इससे अपनी अच्छी दोस्ती निभाऊंगा, पलट के आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ब्लाइंड फेथ करिए, मौके मौके पर काम आइए, वो भी काम आएगा। दोस्ती की डिमांड रखना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको कभी नहीं मिल सकती, लेकिन खुद एक दोस्त बन जाना किसी का, ये बहुत अच्छा नेचर है। हमें जानवरों से कुछ सीखना चाहिए। भले ये है कि हम लोग आजकल उन्हीं जानवरों का बेरहमी से शिकार कर रहे हैं जिन्होंने आँख बंद करके हर बार लालच में आके हमारे चारे में फंसे हैं। वो हर बार चाहे खाना खिलाने के बारे में, चाहे जो, मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने, इंसानों ने हर अगले के साथ धोखा ही किया है। इंसान इसलिए भी बदनाम है। तो आप देखिए कि आप अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। कब, क्या, कौन, किसके काम आ जाए क्या पता। जय हिंद, वंदे मातरम।